आईटी नॉलेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में देखने के लिए आप यहां पे बेस्ट नाउ 24 डालना है और इस वैकेंसी के बारे में आपको सारी जानकारी हिंदी में मिल जाती है इस वेबसाइट पर बेस्ट नाउ 24। तो दोस्तों यूज प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे बेस्ट नाउ 24 पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है और आपको यहाँ पे जो भी कोई वैकेंसी आती है उसके बारे में आप सर्च करके आप हिंदी में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जैसे FORESTी फॉरेस्ट टाइप करना है, जो भी वैकेंसी आती है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो रीड मोर पे क्लिक करना है और आप इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी इस वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ से आने वाली सभी सरकारी वैकेंसी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकन है, इस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो और फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। चलो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है एक शानदार वेबसाइट। तो दोस्तों आप इस पर विजिट करके आप कोई भी आने वाली वैकेंसी के बारे में देख सकते हो। तो चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसमें फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एसओसओ आईडी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल पे आपको यहाँ पे एसओसओ टाइप करना है। जैसे आप एसओसओ टाइप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है और आपको यहाँ पे अपना डिजिटल एसओसओ आईडी, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आधार जनाधार के माध्यम से या फेसबुक या जीमेल आईडी के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद में लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालना है। उसके बाद में कैप्चा पासवर्ड डाल के आपको अपनी आईडी लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपनी आईडी लॉगिन कर लेते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है और अगर आपको सामने ये दो रिक्वायरमेंट पोर्टल शो नहीं होता है तो यहाँ पे अदर सेप्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको ढूंढ सकते हो। क्विक सर्च पे आप आरी टाइप करना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ऐप शो हो जाएंगे और यहाँ पे रिक्वायरमेंट पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करोगे तो माई रिक्वायरमेंट पोर्टल पे यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों माई रिक्वायरमेंट पोर्टल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट पोर्टल का लिंक दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी पे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे बता रहा है डू यू वांट टू फेच डाटा फ्रॉम कैंडिडेट प्रोफाइल, यहाँ पे आपको यस कर देना है। उसके बाद में आपको जिस भी वैकेंसी में आप फॉर्म भरना चाहते हो, तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि सारी जानकारी आपको हिंदी में बेस्ट नाउ 24 के नाम से वेबसाइट है उस पर मिल जाती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे बेस्ट नाउ 24 पे क्लिक करोगे कि अगर आपको वेबसाइट के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे गूगल पे टाइप करना है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ BEST NOW 24 बेस्ट नाउ 24 ये डालना है, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको हिंदी में जानकारी मिलती है आने वाली सभी सरकारी वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों यूज प्रोफाइल पे क्लिक करना है ये डालने के बाद में और यहाँ पे बेस्ट नाउ 24 पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे सर्च पे FORESTी फॉरेस्ट जो भी वैकेंसी आती है उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो इस वेबसाइट पर जाकर। अगर आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करना है और इसमें अपन देख लेते हैं कि कितनी इसमें वैकेंसी है क्या है। तो इसमें 10th पास आवेदन कर सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए और 12th फॉरेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें नीचे ये नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी के बारे में बता रखा है कि कौन सी कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकती है फॉरेस्ट गार्ड में। तो नॉन TSP TSP, तो नॉन TSP में OBC में फॉरेस्ट गार्ड में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी फॉरेस्ट में बिल्कुल भी 00 सीट है और EWS में कैंडिडेट में 89 पोस्ट है।
जनरल की 401 पोस्ट है और एससी की 146 पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड में, और 96 है फॉरेस्ट गार्ड में एसटी की। बाकी ये देख लेना, आप चेक कर लेना बेस्ट नाउ 24 वेबसाइट पर जाकर। तो अपन इसमें फॉरेस्ट गार्ड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों अपन फॉरेस्ट गार्ड पे क्लिक करते हैं तो अपना यहाँ से अपना आपको अपना नाम ये भरना है। जैसे मैं अपना नाम कुछ भी डाल यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ चॉइस करनी है आपको, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी। उसके बाद में यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, अगर क्रिमिलियर नहीं है तो नॉन क्रिमिलियर। उसके बाद में नॉट एप्लीकेबल करना है, और आपको रिलीजन हिंदू करना है, विवाहित अनमेरिड कर देना है अगर, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना आवेदन राजस्थान के, क्या आप राजस्थान के मुंशी क्षेत्र से, नहीं तो, और यहाँ से आपको अपना एड्रेस डाल देना है। और सिटी आपको यहाँ से जैसे आपको डाल देनी है कुछ भी, और आपको सेम एड्रेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ये क्लिक करोगे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर, जैसा कि मोबाइल नंबर मैंने नहीं डाला है तो मैं मोबाइल नंबर इसमें डाल देता हूँ। उसके बाद में नेटलिटी चॉइस करना है, गृह राज्य चॉइस करना है इसमें, और ये डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना है, और उसके बाद में ब्लॉक, जो भी आपको ब्लॉक लगता है। वो चॉइस करके आप एक सर्विस मैन हो या नहीं, इसमें आपको 9 प्रजन उत्कृष्ट खिलाड़ी, अगर आप एनसीसी कैडेट कोर ये जो भी परीक्षा दे रखे हो तो अगर आप इसमें यस कर सकते हो, बाकी अन्यथा आप इसमें नो कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे 10th की और 12th की क्वालिफिकेशन डालना है। यहाँ पे जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको यहाँ पे डाल देने हैं। आपके जो भी रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। और आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से जैसा कि अगर यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पे इनकेस यहाँ पे टिक मार्क चेक मार्क क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको सही बनना है, जैसे ऑल सब्जेक्ट कर देना है, और यहाँ पे अपनी बोर्ड का नाम जैसे बी एस सी आर डाल सकते हो, आर बी एस सी डाल सकते हो, रोल नंबर डाल देना है, परसेंटेज डाल देना है, पासिंग ईयर डाल देना है, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन होगा, और यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो डाल देनी है 50 से 100 के के बीच में। तो जैसे मैं फ़ोटो ले लेता हूँ कोई भी एक फ़ोटो, और यहाँ से आपको यहाँ पे सिग्नेचर डाल देने हैं, जो भी आपके सिग्नेचर है। तो मैं जैसे सिग्नेचर भी इसमें अपलोड कर देता हूँ। अब जैसा कि दोस्तों इसमें यहाँ पे बता रहा है सिग्नेचर इन हिंदी और यहाँ पे सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पे 2 बार सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। और यहाँ पे बॉडी मार्क, तो अगर आप बॉडी मार्क यहाँ पे 9 मार्क कर सकते हो, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये बता रहा है फोटोग्राफ पोस्ट 25 KB अलाउड, और 50 मैक्सिमम 100 KB है ना। तो यहाँ पे अपने को फोटो मैक्सिमम 25 KB से कम और ये होनी चाहिए, साइन भी 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो अपन इसको मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो, 50 KB में फ़ोटो किस तरीके से आप ला सकते हो। तो आप जैसे कि आप
जहाँ पे भी आपकी फोटो है वहाँ पे आपको, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपको ओपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में आपको एडिट पिक्चर्स पे क्लिक करना है, और इसमें चॉइस बता रखा है, तो आपको यहाँ पे यहाँ से आपको 200 से 250 कर देनी है और ओके कर देना है। उसके बाद में साइज देख लेनी है, 15 KB आ रखा है, तो दोस्तों आपको साइज पे परसेंटेज पे आपको यहाँ पे 300 डाल देना है और कंट्रोल सेव कर देना है। तो अपन 43 KB हो गई है, तो अपन फोटो को अपलोड कर देते हैं। अब दोस्तों अगर आपको इसके बारे में और अधिक डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप मेरे को जरूर बताना, और साइन के बारे में बता देता हूँ, 20 से 50 KB के अंदर भी साइन अपने को, फोटो 50 से 100 KB के बीच में चाहिए, फोटो 50 मैक्सिमम 50 और 100 KB के बीच में चाहिए। तो मेरे ख्याल से 43 KB है अभी, तो अपने इसको रिसाइज पे 200 कर देते हैं, तो ये अभी डबल हो जाएगी 99 हो गई है, तो यहाँ से 80 कर देते हैं इसको। सेवेंटी एट हो गई है, तो ये फोटो अपनी सही है, ठीक है। और साइन अपने को 20 से 50 KB के अंदर रखना है, तो साइन को भी अपन कर लेते हैं। जैसे ये साइन है, तो इसको 20 से 50 KB के अंदर साइन चाहिए ना अपने को, 20 से 50 KB के अंदर साइन कर देते हैं। जैसे ये साइन बता रहा है 19 KB बता रखा है, तो एडिट पे जाएंगे, रिसाइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 200 डाल देना है और इसको कंट्रोल एस कर देना है, और 36 KB में आ गया है, ठीक है। साइन को इस तरीके से अपन हिंदी में साइन करके डेस्कटॉप पे सेव किया था अपन ने, यहाँ से अपलोड कर देना है और नो मार करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन फ्री बता देगा, और आपको फिर यहाँ पे एक इस पे क्लिक करके पीस पे कर देनी है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।